बोलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिसने अभी तक कंप्यूटर कभी चला के नहीं देखा या उनके पार्ट्स वगैरह के बारे में नहीं पता कौन कौन से पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं। तो हम बता रहे हैं कि आपने सबसे पहले स्टार्ट उसको कैसे करना है। जो आपकी मेन पावर है, मेन स्विच को आपने ऑन करना है, जहाँ पर आपने सीपीयू को पावर केबल से कनेक्ट किया है। उसके बाद सीपीयू के अंदर बटन होता है हमारा, हम उसको ऑन करेंगे। सीपीयू ऑन करने के बाद ये हमारा होता है मॉनिटर। मॉनिटर की स्क्रीन ऑन होगी, ये देखिए मॉनिटर की स्क्रीन हमारी ऑन हो चुकी है। ये देखिए ये हमारा डेस्कटॉप की विंडो ओपन हो चुकी है। एक बार हम पार्ट्स के बारे में आपको बता देते हैं। ये सीपीयू होता है हमारा कंप्यूटर का, जो सबसे मेन पार्ट होता है। इसको कंप्यूटर का हार्ट एंड ब्रेन भी कहा जाता है। ये हमारा मॉनिटर होता है। ये कीबोर्ड होता है जिसके अंदर हम सारी कीज यूज करेंगे। ये माउस होता है जिसमें हमारे तीन बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बटन। सबसे ज़्यादा यूज हम लेफ्ट क्लिक का करते हैं, राइट क्लिक का यूज कम होता है, और बीच में जो बटन होता है स्क्रॉल करने के लिए, उससे हम पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा डेस्कटॉप की विंडो ओपन हो चुकी है। डेस्कटॉप पर सबसे पहले ये जो आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम आइकन्स बोलते हैं। नीचे इसमें ये पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। माउस के साथ ये देखिए स्क्रीन पे आपको एक एरो का साइन घूमता हुआ दिखाई देगा जो माउस के साथ मूव होता है, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। तो पॉइंटर में देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर टास्क बार के अंदर स्टार्ट बटन होता है, जिससे हम कोई भी एप्लीकेशन अगर हमने ओपन करनी है तो हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। मैंने लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ से देखिए लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हो। ये देखिए स्क्रॉल बटन से मैं इस लिस्ट को स्क्रॉल कर रही हूँ, तो जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है उसको सिलेक्ट करके क्लिक करिए तो वो एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। या फिर हम यहाँ से सर्च बार, यहाँ पर सर्च बार दिया गया है। अब मान लीजिए हमें कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी है, मैंने पेंट ओपन करना है, तो सर्च बार के अंदर आप पेंट टाइप करें, ऊपर यहाँ पर आपको पेंट दिखाई देगा, उस पर जाके आप लेफ्ट क्लिक करें। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ये देखिए हमारी पेंट की विंडो ओपन हो चुकी है। अब पेंट की विंडो में सबसे ऊपर का बार देखिए आप, ये होता हमारा टाइटल बार। टाइटल बार में जिस एप्लीकेशन को हमने ओपन कर रखा है उसका नाम लिखा होगा। यहां पर देखिए पेंट लिखा हुआ है, अनटाइटल लिखा हुआ है। अनटाइटल जहां लिखा हुआ है, जब हम कोई फाइल सेव कर देंगे तो यहां पर उस सेव की हुई फाइल का नाम आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहां से देखिए मिनिमाइज का ऑप्शन है, स्क्रीन मिनिमाइज होके टास्क बार में हमारी नीचे ऐड हो जाएगी। कोई भी एप्लीकेशन हम यहां से मिनिमाइज करते हैं तो वह हमारी टास्क बार में ऐड हो जाती है। दोबारा हमने उसको ओपन करना है तो उसी एप्लीकेशन पर क्लिक ले जाके क्लिक करिए, वो दोबारा से ओपन हो जाएगी। अगर आपने विंडो को छोटा करना है तो सेकंड बटन आपका, इससे विंडो आपकी छोटी हो जाएगी। अगर दोबारा आप फुल साइज करना चाहते हो तो उस पर दोबारा से क्लिक करें, वो फुल साइज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से थर्ड बटन आपका क्लोज का है। अगर आपने एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो आप क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेकंड आता है मेन्यू बार, फाइल होम व्यू लिखा हुआ है, ये आपको मेन्यू बार के अंदर दिखाई दे रहा होगा। नीचे ये रिबन एरिया होता है, जिस भी टैब पर हम क्लिक करते हैं, मैंने व्यू टैब पर क्लिक किया तो ये व्यू का रिबन एरिया आ गया। होम टैब पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये होम टैब का एरिया आ गया। उसके बाद नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, जहाँ पर हम कुछ भी ड्रॉ करके बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक पट्टी दिखाई दे रही होगी यहाँ पर डार्क ग्रे कलर की। मैं पहले एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे आपको पता चल जाए। ये देखिए ये स्क्रॉल बार होते हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो इसको हम लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो हम अप डाउन स्क्रॉल के लिए यूज करते हैं। जो हम लेफ्ट राइट के लिए यूज करते हैं यह होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो अप डाउन के लिए हम यूज करते हैं वो होता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए
अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको माउस चलाने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि माउस को चलाने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ से शेप ड्रॉ करना सिखाएंगे, जिससे आपको इजी होगा माउस को चलाना। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी शेप दिखाई दे रही होंगी, किसी भी शेप पे आप माउस ले जाए, उस पर क्लिक करें और नीचे लाके उसको वर्किंग एरिया में क्लिक करके माउस को आपने ड्रैग करना है। ये देखिए शेप आपको ड्रॉ होती दिखाई देगी, जितनी बड़ी आपने शेप बनानी है वहाँ जाकर आप क्लिक छोड़ दें, उससे बाहर क्लिक करें। ये देखिए ये स्टार की शेप हमने ड्रॉ करी। दूसरी शेप हम दोबारा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर आपने वही करना है, क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है और आपने जितनी बड़ी शेप लेनी है उसको छोड़ देना है। और कोई शेप आप सिलेक्ट करोगे तो इस टाइप से आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेप इंसर्ट करके देखनी है, ताकि आपको माउस चलाने में आसानी हो जाए। ये देखिए ये हमने इतनी सारी शेप्स यहाँ पर ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इन शेप्स में अगर आपने अलग अलग कलर फिल करने हैं तो आपने कहाँ से करने हैं। यहाँ पर आपको फिल विद कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करें, कलर वन, ये कलर बॉक्स है यहाँ पर, इस पर आप कोई भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस कलर पर क्लिक करें और जिस शेप में आपने फिल करना है उस कलर को, उसके अंदर जाओगे तो देखिए आपको बकेट का साइन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ग्रीन कलर की फिल हो गई। अब दूसरी शेप में मैंने दूसरा कलर फिल करना है, तो हम सेकंड कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पर पिंक कलर आ गया, किसी शेप में मैंने पिंक करना है तो पिंक कर सकते हैं। इस टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर को चूज करके जिस शेप को जिस कलर से फिल करना है वो कलर आप उस शेप के अंदर जाके फिल कर सकते हो। ये देखिए ये मैं अलग अलग कलर यहाँ से चूज करके अलग अलग शेप्स को फिल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ आ गया होगा किस तरह से हमने शेप इंसर्ट करनी है और उनमें कलर फिल करना है। उसके बाद अगर आप ड्रॉ करना इसको इरेज करना चाहते हो तो यहाँ से हमारे पास टूल होता है इरेज का, इरेज पे क्लिक करो। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा साइन आपको दिख रहा है इरेज का, अगर मैं क्लिक करके आपने ऐसे इसको माउस को मूव करोगे, ऐसे घुमाओगे तो आपको इरेज होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इसका साइज थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल और प्लस का साइन आपने इकट्ठा प्रेस करना है, जिससे हमारी इरेजर का साइज बड़ा हो जाएगा।